शमशान घाट के थोड़ा सा ऊपर में। तो हम हे भगवान शिव जी, जल्दी से जल्दी मेरा 1,000 सब्सक्राइबर, 4,000 घंटा वॉच टाइम पूरा कर दिया और मेरी यूट्यूब फैमिली पे हमेशा खुश रह क्या। थोड़ा सा नीचे पे ही है शमशान घाट और ये है यहाँ पे शिव जी का मंदिर। तो हम कहानी बताएंगे आपको पूरी कि क्यों होता है पागल दिन निकल में डर लग रही उसे डर ना लगे तो मुझे लग रहा है ये मंदिर इसलिए बनाया गया। और ये मंदिर बनाया था तांबे का कलश, तो ऊपर से यहाँ पे जब हम जया जगदीश हरे कान में जो भी हम मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है, तो मैं भी मांगती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 4 बजे से, और अच्छी सी धूप लग रखी है आज और बहुत ही अच्छा मौसम था, धूप थी पूरे दिन भर। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं, मतलब आज के ब्लॉग में नहीं, मतलब आज हम जा रहे हैं मंदिर में। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे मंदिर में जा रहे हैं जो कि बसा हुआ है शमशान घाट के थोड़ा सा ऊपर में। तो हम चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं वहाँ। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि शमशान घाट के ऊपर क्यों आखिर मंदिर बनाया जाता है, तो आप हमें ज़रूर बताना। तो हम सीधे चलते हैं और वहीं दिखाते हैं आपको कि कैसा है वो मंदिर। तो चलो, तो दोस्तों गांव से काफ़ी नीचे आ चुके हैं हम, और यहाँ पे आज फिर से मेरे साथ हैं कानी, और ये कल भी मैंने आपको बताया था, ये है संजना जिसका नाम कि गुन्नू है, घर में बोलते हैं इसको। और हम गांव से काफ़ी नीचे, ये है स्कूल, कल तो मैंने स्कूल बताया था, यहीं से थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे है वो मंदिर। तो हम यहीं जा रहे हैं अभी, तो चलो चलते हैं। और यहाँ का रास्ता भी बहुत ही अच्छा बना दिया गया है, और इधर पूरी एकदम से तारवाड़ कर दी गई है ताकि इधर जो जितने भी खेत हैं, यहाँ गाय बच्चे या जैसे सूअर वगैरह आते हैं तो वो ना जा पाए और फसलें सेफ रहे, इसलिए। और यहाँ जाएंगे हम नीचे अभी मंदिर, तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो फिर मिलते हैं आपसे सीधे। तो दोस्तों यहाँ हरे भरे वो भी तो हो गए, और ये वाला खेत देख सकते हैं आप, ये मेरा सबसे फेवरेट वाला खेत है, यहाँ बहुत अच्छी फसल होती है, इसलिए ये बंगर गांव वालों का है शायद। और हमारा ले मंदिर भी अब थोड़ा सा रह रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे है मंदिर का गेट, यहाँ से एंटर होने के लिए है, बट यहाँ भी अभी खुला है क्योंकि यहाँ अभी लगा नहीं है, यहाँ अभी बाउंड्री नहीं बनाई इसलिए। और अभी हम सीधे यहीं से घुस जाते हैं अंदर के लिए। इसी के साथ फाइनली हम पहुंच चुके हैं महादेव जी के मंदिर में, और ये है हमारा जो ये मंदिर है, ये है केवर्स गांव में स्थित। तो इस मंदिर की लोकेशन एक बार हम गांव से दिखा देते हैं आपको, आ जाए हमारे साथ। तो जो ये मंदिर स्थित है आप ऊपर देख सकते हैं, वो है गांव हमारा। तो जो गांव है, एक नदी आती है इधर से, इधर दिखा दे कहानी एक बार, ये एक गधेरा इधर से आ रहा है और एक गधेरा इधर साइड से, और एक गधेरा इधर साइड से, आ जाओ दिखाते हैं हम आपको, एक गधेरा इधर साइड से। तो दोनों गधेरे यहाँ ये है, ये आपस में मिल जाते हैं यहाँ पे। तो ये मंदिर दो, जो ये दो गधेरे हैं इन दोनों के बीच में स्थित है, और ये है शमशान घाट, यहाँ नीचे पे ही है थोड़ा सा। और गुन्नू को यहाँ पर डर लग रही है, मुझे भी खुद बोलते हुए डर लग रही है, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ थोड़ा सा नीचे पे ही है शमशान घाट, और ये है यहाँ पे शिव जी का मंदिर। तो हम कहानी बताएंगे आपको पूरी कि क्यों होता है पागल दिन निकल में डर लग रही है। तो जो ये मंदिर है, ये यहाँ पे क्यों स्थित है, क्यों होता है यहाँ पे शमशान घाट के थोड़ा सा समीप पे महादेव का मंदिर, तो इसकी कहानी भी हम आपको पूरी बताते हैं। तो चलिए मंदिर के सामने, क्योंकि यहाँ पे मुझे डर लग रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक कहानी बताऊंगी जो कि मैंने भी सुनी है, और इसके अतिरिक्त अगर कोई और कहानी होगी जो आपने सुनी होगी तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो कहा जाता है कि मतलब जो महाभारत के विभिन्न जो हमारे पर्व है उसके 141वें पर्व में यह भी कहा गया है कि एक बार क्या होता है कि माता पार्वती शिव जी से पूछती है कि स्वर्ग की इतनी अच्छी
स्वर्ग में इतनी अच्छी व्यवस्था है, उसके बाद भी आप शमशान घाट में क्यों निवास करते हैं? तो शिव जी फिर माता पार्वती को बताते हैं कि पृथ्वी में संपूर्ण संसार का विचरण करने के बाद भी मुझे वहाँ कहीं भी अच्छा नहीं लगा, और एक ही स्थान है जहाँ की जो है शमशान घाट, वहाँ मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो आपको पता ही होगा कि शिवजी भगवान जी के साथ सबसे ज़्यादा भूत प्रेत गण रहते हैं। तो शिवजी भगवान जी माता पार्वती को बताते हैं कि यहाँ पे जो जितने भी जो भी शमशान घाट है वहाँ पे मेरे क्या बोलते हैं उसको भूत प्रेत गण निवास करते हैं, इसलिए मुझे यहाँ से अच्छा कहीं और कहीं भी नहीं लगता, और ये कोई अपवित्र स्थान नहीं है, यह एक पुण्य स्थल है। कि देखो जैसे जब भी कोई इंसान, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा होगा, कितना भी अमीर कोई व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी कुछ ना हो किसी के पास, गरीब भी होगा उसने भी और जो अमीर होगा उसने भी, अंत समय में शमशान घाट में ही पहुंचना है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि यह स्थान मुझे सर्वाधिक प्रिय है, और यहाँ पे रहकर, और मंदिर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जैसे अगर बाय चांस यहाँ पे ये मंदिर ना होता, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको यहाँ नीचे पे ही शमशान घाट है, तो अभी मैं यहाँ पे खड़ी ना होती, क्योंकि मैं खुद ही इतना भयभीत रहती और मुझे डर लगता है यहाँ से गुजरने में, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करने के लिए ये मंदिर भी बनाया गया है, हमारी एक, जैसे कि हम मानते ही हैं भगवान, क्योंकि मैं तो सच ही बोलूँ मैं तो आस्तिक हूँ, और जो लोग विश्वास करते होंगे उनके लिए तो भूत प्रेत भी होंगे ही और भगवान भी है, अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी हैं, तो भूत प्रेतों से डर ना लगे, तो मुझे लग रहा है ये मंदिर इसलिए बनाया गया, और ये मंदिर बनाया था उस पूरे गांव वालों ने मिलकर बनाया था ये मंदिर, शायद मुझे कंफर्म नहीं है इस बात का, बट मैंने सुना है जितना उतने में मैं बता रही हूँ, और कोई मिलेगा तो उनसे भी पूछेंगे हम। तो अभी मैं अंदर चलते हैं और मंदिर देखते हैं, मंदिर के दर्शन कराते हैं आपको, आ जाओ अभी हमारे साथ और आप भी दर्शन कीजिए, और मैं महादेव से कामना करूँगी कि वो आपको और आपके परिवार को ढेर सारी खुशियाँ दे, आ जाइए आप हमारे साथ। तो दोस्तों ये है हमारे महादेव जी का मंदिर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एक तांबे का कलश, तो ऊपर से यहाँ पे जब हम गंगा जल अर्पित करते हैं महादेव जी को तो वो यहाँ से टपक के, और फिर नीचे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है नाग भगवान जी, तो आपको पता ही होगा कि शिव जी भगवान जी के गले में हमेशा नाग रहते हैं, तो यहाँ पे एक नाग और नीचे से शिवलिंग की स्थापना की गई है, तो दूध जैसे हम दूध और जल यहाँ इसके अंदर डालते हैं तो यहाँ से नीचे आके और धीरे धीरे और फिर भगवान जी पे चढ़ता रहता है। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे है गणेश भगवान जी की मूर्ति, और इधर है विष्णु भगवान जी, और इधर है ब्रह्मा जी की मूर्ति। तो जैसे कि त्रिदेवता हमारे कहे जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों की मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई है, और जहाँ शुभ कार्य हो और वहाँ भगवान गणेश की मूर्ति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे गणेश भगवान जी की भी मूर्ति स्थापित की गई है, और ये भी गणेश भगवान जी की मूर्ति है, और ये है माता पार्वती की। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि भगवान शिव जी की अर्धांगिनी थी माता पार्वती, तो इसीलिए माता पार्वती की भी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, और ये मूर्ति जो है वो है एक पत्थर की, पत्थर में, तो ये पत्थर में एक पत्थर से इसका अच्छा सा रूप दिया गया है इस भगवान शिव की मूर्ति को, और वहाँ पे भी भगवान शिव की मूर्ति है, उधर देख सकते हैं आप। और हमारे दोस्तों जो त्रिशूल, और इसको हमारे यहाँ बोले जाते हैं नैजा निशान, गढ़वाली भाषा में इनको नैजा निशान बोला जाता है देवताओं का, तो ये है वो देव नैजा निशान, और ये है हमारा पूरा सा शिव जी का मंदिर, तो एक बार हम भी पूजा कर लेते हैं यहाँ पे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भगवान ठाकुर।
हे भगवान शिव जी, जल्दी से जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा कर दिया और मेरी यूट्यूब फैमिली पे हमेशा खुश रखा। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। घंटी बजाया ले, चल आशीर्वाद। दोस्तों यहाँ पे आप एक और मूर्ति देख सकते हैं, तो ये है भगवान शिव का ही एक रूप नटराज, तो शायद हाँ नटराज ही है ये जितना मुझे लग रहा। और यहाँ पे हमने पूजा तो कर ली है और यहाँ पे भी दिए देख सकते हैं आप। तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव की सवारी होती है नंदी जी, तो ये है नंदी जी। और कहा जाता है कि इनके कान में जो भी हम मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है, तो मैं भी मांगती हूँ। तो यहाँ पे हमारे तो जिन जिनकी लोगों की मुरादें यहाँ पूरी हुई होंगी, तो उन लोगों ने अपने श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे बहुत सारे नंदी जी की मतलब भेंट किया है, भगवान मतलब बनाए हैं, यहाँ भेंट चढ़ाए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक यहाँ ये भी है, एक यहाँ पे भी है नंदी जी, और एक यहाँ पे है इधर, और एक और इधर है। पहले यहाँ पे केवल ये दो ही नंदी जी थे, और जब जैसे जैसे लोगों की मुरादें बोलते हैं यहाँ, जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना मांगता है तो ज़रूर पूरा होता है उनकी मुराद। तो यहाँ पे जिनकी मुरादें पूरी हुई होंगी तो उन्होंने खुशी से यहाँ पे और नंदी जी को भी भेंट चढ़ाया है यहाँ पे। तो एक बार हम परिक्रमा कर लेते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे है ये कुंड बनाया गया है, तो जैसे अंदर से दूध आता है तो किसी के पैरों में ना जाए, इसीलिए यहाँ पे एक कुंड का निर्माण किया गया है। और कभी भी इस कुंड को लांग के नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ से वापस जाएंगे और उधर से फिर यहाँ तक आएंगे और फिर वापस जाएंगे। तो चलो तो यहाँ पे हमारी परिक्रमा हो चुकी है पूरी, और इधर भी दिखा देते हैं आपको जब हम आई रखे हैं। तो इधर देखिए, तो ये पूरा सावन, तो यहाँ पे पूरा चद्दर का बना दिया गया है ऊपर से, क्योंकि यहाँ हर सावन के महीने में यहाँ पे शिव जी के लिए शिव जी का भंडारा होता है, तो उस टाइम पे बारिश का समय होता है, इसीलिए यहाँ पे पूरा चद्दर से बना दिया गया है ताकि बारिश होगी तो भक्तजन भीगे ना इस वजह से। और आगे भी दिखाते हैं हम आपको, आ जाइए। वहाँ पे खाना बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कमरे बनाए गए हैं, कमरे तो नहीं बोल सकते, चद्दर से पूरा एकदम से चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जब भी यहाँ पे भंडारा पहले बनता था बारिश होती थी तो बहुत दिक्कत हो जाती थी उस टाइम पे, और इसीलिए अब यहाँ पूरा बंद कर दिया गया है ताकि बारिश भी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और उधर मुझे लग रहा है, मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ खुद, तो इधर मुझे कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं, शायद पेड़ लगा रखे हैं वहाँ पे, तो वो भी देखते हैं कि क्या कौन से पेड़ लगा रखे हैं यहाँ पे। आ जाओ, तो इसके अंदर एक पेड़ लग रखा है बट वो सूख रखा, मुझे लग रहा पता नहीं किस चीज़ का है, मुझे पता नहीं चल रहा। और इधर भी लगा रखे, इधर भी दिखाते हैं आपको। तो जो भी ये पेड़ थे इसके अंदर वो सूख चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई आता नहीं है इसीलिए, और क्योंकि गांव से काफ़ी दूर हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर भी गधेरा उधर भी गधेरा, और बीच में हमारा ये महादेव जी का बहुत ही खूबसूरत मंदिर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं आनंद संगम स्थली। तो ये है हमारी आनंद संगम स्थली पे स्थित महादेव जी का बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर। तो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं महादेव जी के दर्शन, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा कहानी? अच्छा। कितना टाइम बाद आ रही है? एक महीना बाद। और तू गुन्नू? एक साल बाद।
तो मैं तो काफ़ी टाइम बाद बहुत ही लंबे समय के बाद आ रही हूँ यहाँ, और मेरा मन बहुत ही ज़्यादा प्रश्न हो चुका है। प्रश्न बोलते हैं कि प्रश्न मतलब जो खुश होता है जिसका मतलब, वही हो चुका है एकदम। और अभी हम चलते हैं घर, और हमेशा याद रखना अभी आप कभी भी मंदिर जाते हो तो जब आते हैं उस टाइम तो घंटे बजानी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं बजानी चाहिए। मैंने भी सुना है क्योंकि बोलते हैं कि जो हम मनोकामना मांगते हैं वो भी हमारे साथ वापस चली जाती है, इसलिए पता नहीं कितनी सच्चाई कितनी नहीं मुझे नहीं पता। तो अभी घर चलते हैं और देखते हैं फिर घर में मार पड़ती है या नहीं। तो यहाँ पे अभी गुन्नू बंद कर देगी। गुन्नू तूने मांगी विश अपने लिए, क्या मांगा तूने? तो ये समझदार है, अपनी विश नहीं बताते। मैंने तो भारी बोली थी, तूने मांगा कहानी क्यों? भगवान का दिया सब कुछ है, तो इसलिए तो तीन चार विश मांग ली। हाँ मांग जा। तो अभी हम चलते हैं ऊपर घर की तरफ, कोई मिलेगा तो हम उनसे शिव जी के बारे में और भी जानकारी लेंगे, अगर कोई मिल जाएगा हमें तो। और सीधे मिलेंगे आप कहाँ? ऊपर घर में। और यहाँ पे दीप्पी भी आ चुकी है ट्यूशन से पढ़ के। क्या पढ़ा तूने, जल्दी बता। इसको और ये दीप्पी है ना, ये है इसकी दीदी, और इसकी एक और दीदी है बड़ी, वो है कब्बू जिसकी की शादी है। दिखा ले रे तू, पूरे पर थोड़ी नीचे है। हां हां सही सही बनी पूरे पर नीचे। नानी अबे निकल ना, कर ना वहां तो पता है ऐसा निकल। तो इसी के साथ बच चुके हैं शाम के पूरे 6। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी मतलब यूज़फुल रही होगी, आपको भी नॉलेज हुआ होगा। और अगर मेरे से इस जो ये मैंने जानकारी दी है अगर मैंने कुछ गलत बताया होगा तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि जितना मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। और आप भी अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और कल मिलेंगे नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।